भीड़ है, भीड़ किसी की नहीं सुनती। वही हुआ जिसका डर था, जन सैलाब उमड़ा और केजरीवाल का जनता दरबार मछली बाजार से भी बदतर हो गया। लाउड स्पीकर पर व्यवस्था बनाए रखने की प्रार्थना होती रही, लेकिन कौन किसकी सुनता है भाई साहब। भीड़ में ही किसी ने जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों से कागजात लेकर जमा किए और एक कोने में जमीन पर पटक दिए। ये सारी लोग जो अपनी अर्जियां लेकर आए थे उन्होंने इकट्ठी करी और यहाँ पे फेंक दी। अब वहाँ तक आगे तक पहुँची नहीं पहुँची, पब्लिक इतनी भीड़ से वहाँ तक पहुँची है, एप्लीकेशन देखा तो यहाँ पड़ी है सारी। मुसीबत ज्यादा गरीब लोगों ने महंगाई के इस दौर में किस तरह कागजात बनवाए होंगे समझना मुश्किल नहीं। उम्मीद थी कि दिल्ली की राजनीति में आए बदलाव के बाद उनकी फरियाद सुनी जाएगी, लेकिन उनके कागजात ही कूड़े में फेंक दिए गए। किसने किया नहीं पता, लोगों को लगता है शायद कोई विरोधी पार्टी वाला रहा होगा। आदमी है कांग्रेस का आदमी है, उनने सबसे इकट्ठी कर ली और पता नहीं कहां गायब हो गया। एप्लीकेशन यहां ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है। समस्या ही समस्या है, बिजली के लाखों के बिलों से लेकर नौकरी तक। तड़के घर से निकलते वक्त पूर्व उम्मीद थे कि आज कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन अब जमीन पर पड़े कागजों के ढेर में अपने कागजात तलाश रहे। मैंने 10 साल नौकरी कर लिया एजेंसी में और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने एजेंसी करी अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के छोटे छोटे सबको, और मैंने भूख में प्यास में एजेंसी का काम करा। मेरी नौकरी पता नहीं किसको दे दी किसको नहीं दे दी, और मैं धक्के खा रही हूँ। मेरे ये कागज है इसमें मेरे, और मैं इसमें हाँ इसमें मैं अपने कागज ढूंढ रही हूँ। और ये मेरे कृष्णा, मेरा नाम त्रिलोकपुरी से मैं आई हूँ। सभी परेशानियां लेकर पहुंचे थे और सब केजरीवाल से मिलकर अपनी परेशानी का हल चाहते थे। हालांकि वक्त 1.5 घंटे तय किया गया था, लेकिन हालात बेकाबू होते देख केजरीवाल उठकर चले गए और सचिवालय की इमारत की छत पर जा पहुंचे। पहला जनता दरबार था, इतने जन सैलाब की उम्मीद खुद केजरीवाल को भी नहीं थी। तो एकदम से उफान आ गया और मेरे को वहां से निकलना पड़ा, बिकॉज वो मेरी टेबल के ऊपर भी लोग चढ़ गए और जहां मैं बैठा हुआ था चेयर उस पे भी लोग चढ़ गए, तो वहां से मुझे निकलना पड़ा। लोगों की भीड़ देखकर दिल्ली के पहले आम सीएम खुद घबरा गए, लिहाजा उन्होंने तय वक्त से पहले ही निकलना बेहतर समझा। तो कहीं ना कहीं हमारे अरेंजमेंट्स में कमी रही, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स को और ठीक से करना पड़ेगा ताकि लोगों को लाइन में खड़ा करवाया जा सके। बहरहाल जनता दरबार में पहुंची जनता की तमाम उम्मीदें तो पूरी नहीं हो सकी। हाँ, व्यवस्था की पोल जरूर खुल गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले जनता दरबार में व्यवस्था और बेहतर की जाएगी, ताकि आम आदमी पार्टी के आम सीएम तक आम आदमी आसानी से पहुंच सके। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।